में तो आज हम फिर से आ गए हैं रेड शैडो के अंदर। दोस्तों मुझे एक हफ्ता हो चुका है, 7 तारीख को हमारा इवेंट जो है शुरू हुआ था फ्यूजन का, और अब 14 तारीख बस शुरू ही हुई है। तो मैं इसको 13th को ही काउंट करूंगा अभी, क्योंकि 14वां दिन अभी हमारा शुरू हुआ नहीं है प्रॉपरली। तो मुझे 7 दिन हो गए हैं और इसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ और क्या क्या मेरी स्ट्रेटजी है गेम को करने के लिए। उससे पहले मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि मुझे अभी मैंने एक और फ्यूजन के चैम्पियन को ले लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने उस चैम्पियन को कहाँ पे लिया है। तो उससे पहले थोड़ा सा ज़रा अपनी जगह हम बना लें, ताकि जो है हम अपना जो है एक और टूर्नामेंट कंप्लीट कर पाए। तो आपके सामने ही मैं कर रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँगा कैसे मुझे पॉइंट्स मिले हैं, कैसे मुझे क्या मिला है। और जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, मैं काफ़ी बढ़िया चीज़ जो है आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं खोलने जा रहा हूँ हमारा चैम्पियन चेस का जो चल रहा है टूर्नामेंट, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ। आई थिंक मेरे को मिल गया है यहाँ पे, आपके सामने ही है। मैं बहुत आई थिंक 250 के आसपास मैंने मिस्ट्री शार्ट्स को पुल किया, तब जाके मुझे ये मिला। और पिछली वीडियो जब मैंने करी थी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं थे। और साथ ही साथ मुझे बताना चाहूँगा कहाँ से पॉइंट्स मुझे मिले हैं, आपके सामने ही मैं दिखाता हूँ। तो मेरा जो चैम्पियन ट्रेनिंग का जो इवेंट चल रहा है उसको भी मैंने मोस्टली कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मुझे ये जो है हमारा हिपोपोटेमस वाला चैम्पियन हॉफरेस द टस्ट, ये हमें मिल चुका है। तो एक और बात बताना चाहूँगा जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, अगर आप इवेंट के अंदर या कहीं से भी अगर आपका टूर्नामेंट चल रहा है, ओनली अगर आपका चैम्पियन चेस का टूर्नामेंट चल रहा है और आप कहीं से भी चैम्पियन लाते हैं, तो आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। अगर मैं ये हेलबॉर्न या माइकोलस इनको लिखाता हूँ तो मुझे जो भी 20 पॉइंट्स मिलते हैं ये भी मिलेंगे। और जैसे ही मैंने हॉफर्स टस्क को लिया, मुझे स्ट्रेट 250 पॉइंट्स मिले। तो इवेंट के अंदर ये नहीं होता, इवेंट के अंदर आपको जो शार्ट्स मिलते हैं शार्ट से ही पॉइंट्स मिलते हैं। तो ऐसा जो है टूर्नामेंट के अंदर, तो ये थोड़ी सी खासियत है टूर्नामेंट के लिए, स्पेशली अगर आप जो है वो एक्स्ट्रा अगर चैंपियन आपको देते हैं। तो मुझे 250 पॉइंट यहाँ से मिले, ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट्स के आसपास मुझे मिले मिस्ट्री शार्ट से। मेरे पास आई थिंक 1100 के आसपास मेरे मिस्ट्री शार्ट से मेरे पास अभी भी बहुत सारे बचे हुए हैं, और अभी भी काफ़ी सारे शार्ट जो है मेरे पास सेव्ड हो रखे हैं अपने इवेंट के लिए। तो आइए बात करते हैं मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। तो मैंने अभी तक के सारे जो हैं टूर्नामेंट्स जो हैं मैंने कंप्लीट कर लिया है। हमारा भी एरिना का चल रहा है, चैम्पियन चेस चल रहा है, कल हमारा आइस गोलम का चलेगा। तो एरिना में तो भाई साहब लोगों ने हद ही मचा रखी है, इस बार तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो रखा है फर्स्ट आना। दवा के लोग जो आई थिंक पैसे खर्च रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे 3000 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं। मैंने आई थिंक मोस्टली अपनी सारी बैटल्स भी जीती हैं, पर फिर भी मैं ऑलमोस्ट 1000 के आसपास हूँ। साथ ही साथ हमारा चैम्पियन चेस आपको मैंने दिखा ही दिया है, ये जो है मैंने कर लिया है, और ये जुजल जो है खुल नहीं रहा, तो मेरे को रैंक 5 का चिकन मिल गया, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। बात करते हैं हमारे इवेंट्स की। तो इवेंट के अंदर हमारा डंजन डाइवर आज ही आया, तो मैंने अभी इसको कंप्लीट नहीं करा है। होपफुली कल मुझे आइस गोलम के अंदर आई थिंक 1800 के आसपास पॉइंट्स होनी चाहिए। तो मुझे कल और परसों 2 दिन लगेंगे इसको करने में, तो 2 दिन के अंदर हमारा जो है डंजन डाइवर भी हो जाएगा, मुझे ये चैंपियन मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं काफ़ी ज़्यादा लकी था, मुझे टेंशन की थोड़ी कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि हेल बाउंड स्प्राइट मुझे 2 मिल गए थे जब मैंने अपनी शार्ट पुल की वीडियो करी थी, उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। थोड़ा टाइम जो है हमारा बच जाता है, बाकी तो कुछ खास होता नहीं है, तो ये भी हमारा हो जाएगा। साथ साथ चैंपियन ट्रेनिंग मैंने आपके सामने करी है, तो होपफुली ये भी कर ली है। और एक दिन बचा है, आई थिंक जब तक ये ख़त्म होगी तब तक मेरे को करने का मौका नहीं मिलेगा चैंपियन ट्रेनिंग, क्योंकि मैं 2 दिन नॉन स्टॉप जो है अपना आइस गोलम ही कर रहा हूँगा। तो आई डोंट थिंक कि मेरे को मौका मिलेगा अगेन चैंपियन ट्रेनिंग करने का। फिर भी फिर से अगर हल्का सा भी मौका मिला तो ज़रूर ट्राई करूँगा कि मेरे को ये 65 जेम्स जो हैं वो मिल जाए। तो आइए देखते हैं मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ हमारे फ्यूजन के अंदर, और यहाँ चलते हैं फ्यूजन और हर्डिंग के अंदर चलते हैं। ये देखिए ये चैंपियन मैंने बना लिया, इसका नाम मैं भूल गया हूँ फिर से, क्या भैया का नाम था, अभी तो हमारा लॉक हो रखा है। तो इसको मैंने बना लिया है, कैसे बनाया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 4 चैंपियन जो हो गए थे, हमें चारों जो इवेंट्स हो गए हैं। साथ ही साथ मेरे पास एक ये है, और
तीन ये है आपको मैंने दिखाए थे मेरे पास पूरे के पूरे ये कंप्लीट हो चुके हैं। इनको मैं असेंड तब करूँगा जब हमारा जो है अगला चैंपियन ट्रेनिंग का टूर्नामेंट आएगा, क्योंकि उसके पॉइंट्स हमें मिलेंगे। आसानी देखेंगे दो हमारे पास ये हो गए, और ये जो हमारा असैसिन चैंपियन है ये हमारे पास नहीं है, ये हमें डंजन डाइवर से मिलेगा। तो होपफुली कल या परसों मुझे एक और चैंपियन मिल जाएगा। साथ साथ मेरे को जो है हिप्पोपोटामस भी मिल गया है। अगर मैं इसको बाय चांस गलती, एक और कई लोग गलती ऐसी कर सकते हैं जिनको नहीं पता, तो अगर आपके पास बाय चांस समन करके या आप टूर्नामेंट या इवेंट के अंदर अपने जो है एपिक्स जो है फ्यूजन के आप जीत जाते हैं, तो उनको ना आप यूज़ कीजिए एंड तक, क्योंकि जैसे ही आप अपना जो है इस चैंपियन को फ्यूज़ कर लेंगे तो फिर आप उसको दोबारा फ्यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा उसके, तब आपके पास बाकी सारे रेयर चैम्पियंस तो इकट्ठे हो जाएंगे, पर आपके पास जो एपिक आ जाएगा लेजेंडरी को फ्यूज़ करने के लिए, आप लेजेंडरी को फ्यूज़ तो कर ही लेंगे कोई बात नहीं, पर ये आपके रेयर जो हैं वो बेकार हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप जो है एक और एपिक चैम्पियन को पाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इशू हो सकता है। तो जब तक आपको, अगर आपको डेफिनेटली ये चैम्पियन चाहिए, कोई भी चैम्पियन चाहिए किसी भी फ्यूजन का, तो पहले आप उसको, अगर आपके पास ऑलरेडी एक और है तो मैं इसको फ्यूज़ करूँगा, उसके बाद इसको बिल्ड करूँगा, वरना जो है हमारे जो है ये आप देख ही सकते हैं नीचे के चार रेयर जो है वो गायब हो गए हैं, तो उसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ से मैं कहाँ कहाँ पे पहुँचा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एज यूजल दबा के मैंने फार्मिंग करी है, लिटरली दबा के। अभी भी मेरे पास दो तीन दिन की फार्मिंग बची हुई है, पर एज यूजल मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि हमारा एआई आइस गोलम का टूर्नामेंट आने वाला है, हम और भी ज़्यादा फार्मिंग कर रहा है। इस बार तो मेरे पास लिटरली एंडलेस फार्मिंग के चैंपियन आप देख ही सकते हैं। इसके बाद ये सारा जो है हमारा फूड है कैप्टन के अलावा, ये फूड सारे के सारे जो है मेरे फूड ही हैं, मोस्टली रैंक थ्री के हैं। इनको मैं अगले टूर्नामेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेरे को हेल्प करेगा, तो ज़्यादा मुझे प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ मेरे पास रैंक फाइव के भी काफ़ी ज़्यादा फूड हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर मैं चाहूँ तो एक और भी बना सकता, समझ लीजिए कि 10 मेरे पास रैंक फाइव के फूड हैं। साथ ही साथ मेरे पास बहुत ही ज़्यादा रैंक फोर और ये सब के हैं। यहाँ जाके देखते हैं, देखिए 13 मेरे पास रैंक फाइव के चिकन है, 29 मेरे पास रैंक फोर के हैं। मेरे पास ऑलमोस्ट 60 के आसपास रैंक थ्री के चिकन थे, वो भी मैंने इन सब फ्यूजन के अंदर लगा दिए। अभी भी बहुत सारे मेरे पास बने हैं, तो अगर जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने ये ज़रूर चेक किया होगा कि मेरे पास काफ़ी सारा सामान जो है वो इकट्ठा हो गया था, क्योंकि मैं चिकन्स को यूजली रैंक फाइव के अलावा रैंक थ्री और फोर को मैं फ्यूजन के अलावा मोस्टली यूज़ नहीं करता, पर अब मुझे करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत ही सारे चैंपियन जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, जो कि आप अब मैं काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प हो जाएगी, स्पेशली फैक्शन वॉर्स के अंदर। मैं लीडिया के लिए हंट कर रहा हूँ, और आई थिंक मेरे पास बुक्स भी पड़ी हैं, 7-8 बुक्स पड़ी हैं। लेट्स सी इसके अंदर कितनी बुक्स हैं, 4। अरे यार यहाँ भी बुक होती है क्या, हो 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेजेंडरी बुक्स। ओ माय गॉड, बहुत सारी बुक्स होती हैं यार। चलो फिर भी इस पर आई थिंक मोस्टली इसके ऊपर वर्थ है लिडिया के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल इसकी ये है जो रिवाइव को ब्लॉक करती है, काफ़ी अच्छे खुद को रिवाइव करती है, काफ़ी अच्छी स्किल है इसकी। तो चलिए, और ये लीडिया के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, 732 फ्यूजन के अंदर सेक्शन वॉर्स के अंदर पहुँच चुका हूँ। होपफुली एक महीने में और मैं इस सेक्रेट शार्ट तक शायद पहुंच जाऊंगा, क्योंकि जब मेरे पास 5 या 6 रैंक 6 चैंपियंस करने का फूड हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझे देख ही रहे हैं तो मेरे पास बहुत सारे शार्ट्स इकट्ठे होने वाले, तो इस वाले इवेंट के अंदर तो होपफुली 99% जो है हमारा एक और आने वाला है। कहाँ गया भाई, न्यूज़ के अंदर आपको दिखाता हूँ, और हम जाते हैं तो हमें एक और स्टैटिक्स भी हमें समन रश के अंदर जो है वो मिल सकता है। आई थिंक 3000 या 3500 के आसपास पॉइंट्स के अंदर मिलेगा, और मुझे इजीली अगर मैं अपने सारे शार्ट्स को पुल करूँगा तब भी मेरे पास बहुत सारे शार्ट बच जाएंगे अगले इवेंट के लिए। तो यहाँ देखेंगे 3 सेक्रेट शार्ट हैं, अगर मुझे यहाँ देखेंगे तो 10 वॉइड शार्ट है, तो आई थिंक 120 पॉइंट्स मिलते हैं, तो 1200 पॉइंट्स हमारे यहीं हो गए हैं, और 3 अगर लगा लीजिए 2700 पॉइंट्स हमारे यहीं से ही पक्के हो गए। साथ ही साथ मुझे
सेक्रेट शार्ड और भी मिलने वाले हैं, तो आपको दिखाता हूँ। एक मुझे यहाँ मिलने वाला है, होपफुली 2 दिन के अंदर मुझे ये, जैसे ही मैं बीट करूँगा ये मुझे मिल जाएगा। तो एक सेक्रेट शार्ड यहाँ मिलेगा, एक सेक्रेट शार्ड मुझे मिलेगा मंथली से। यहाँ देख सकते हैं आप, मुझे मंथली के अंदर बस 4 दिन ही होने वाले हैं। और एक और सेक्रेट शार्ड मुझे मिलने वाला है डेली लॉग इन रिवॉर्ड से, वो उसका भी 2 दिन है। तो ये 4 दिन के अंदर भाई साहब मेरे पास 6 सेक्रेट शार्ड हो जाएंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है। होपफुली मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शार्ट पुल करने का। तो स्टे ट्यून, जरूरी मेरे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा आप, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखते हैं हमारे कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो आने वाले हैं, फिर जो है अपनी वीडियो को हम बाय बाय करने वाले हैं। तो आई थिंक 14 तारीख आ गई है, 14 तारीख को हमारा आ गया है आइस गोलम को टूर्नामेंट। और 2 दिन अगर मैं कर लूँगा तो 14 और 15 तारीख को, तो 16 तारीख मेरे पास खाली होगी। 16 तारीख को चैम्पियन ट्रेनिंग का इवेंट आ गया, 16 तारीख को मैं अपना 3-day XP बूस्ट भी यूज़ करने वाला हूँ। होपफुली यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं चीज़ें बहुत सेव करके रखता हूँ, जैसे आपको मैं हमेशा बताता हूँ चीज़ सेव करके रखी है। एनर्जी मैंने सेव करके रखी हुई है, XP यहाँ देखिए ये भी मैंने सेव करके रखा हुआ है, और यहाँ पे भी हमारा XP, साथ साथ मुझे यहाँ पे भी 1-day XP मिल जाएगा और 3-day XP आप यहाँ देख सकते हैं, जो हमें हर 27 दिन बाद या जो भी है 25 दिन बाद मिलता है 3-day XP। बहुत ज़्यादा काम आता है चैम्पियन ट्रेनिंग के लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो मैं इसको सेव करके रख रहा हूँ, ये नहीं कि कभी भी यूज़ कर लिया, फ्री टू प्ले प्लेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, होपफुली ये फ्यूजन हमारा काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है मेरे लिए। तो अगर आपको भी कोई दिक्कत आ रही है ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे मुझे ऐड कर सकते हैं। आप मेरा सर्वर बना हुआ है, 2-4 लोग वहाँ पे आ गए हैं, आपको मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा जितना भी मैं कर सकता हूँ। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।